आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं सोनिका परिहार से, जो कि हैंडीक्राफ्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर है जम्मू से। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू कि आप यहाँ पे आए। और मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के थ्रू बहुत सारे युवाओं को हमारे डिपार्टमेंटल स्कीम्स के बारे में पता चलेगा और वो इनका बेनिफिट ज़रूर लेंगे। थैंक यू। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम जिस तरह से बात करें, वुमेन्स को सशक्त करने के लिए कई सारे स्टेप जो है लिए गए हैं, उसमें एम्पावरमेंट की बात की जाए तो बड़े बड़े स्लोगन इसके लेकर किए जाते हैं, वहीं पर अगर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो किस तरह से महिलाओं को खास तौर से बढ़ावा दिया जा रहा है इसमें? मैं आपको बता दूं कि हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट जो हैंडीक्राफ्ट है इटसेल्फ, ये शो करता है कि वीमेन से ही रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम कुछ साल बैक में जाएँ तो तब भी वीमेन्स काम करती थी, जैसे कि उनका दिन का काम ख़त्म होता था और वो जब भी उनका फ्री टाइम मिलता था, जब लेजर टाइम उनका होता था, वो कुछ ना कुछ उसमें करती रहती थी, या तो स्वेटर बुनती रहती थी या तो फिर अपना वो वीट स्ट्रॉ से छाबड़ी बिनना बुनती रहती थी, लाइक या तो एम्ब्रॉयडरी करती रहती थी। ये तो हमने भी अपने घरों में देखा होगा एंड आई होप कि आपने भी अपने घरों में अपनी आपकी मम्मी को भी अगर आज आप घर जाके बोलेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर करती होंगी। तो हैंडीक्राफ्ट इट्सेल्फ इज एन मतलब वो शो करता है कि वीमेन एम्पावरमेंट है और यस कि डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वीमेन्स को एम्पावर करने के लिए। ये ऐसे तो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट इज़ बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम फीमेल नंबर ही रजिस्टर है, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं उनके लिए जो कि फीमेल्स फ़ायदा उठा सकती जी। वीमेन्स की बात की जाए तो जिस तरह से घर पर हमारी माताएँ होती हैं वो इस तरह की एक्टिविटी जो करती है हमने भी देखा, लेकिन जिस तरह से टाइम बढ़ता गया आपको नहीं लगा कि ये एक्टिविटीज जो है कम हो गई, लेकिन हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने इसे फिर भी छांट के रखा है और बरकरार रखा, इसे जीवित रखने का प्रयास रखा है। जी, जो हमारा डिपार्टमेंट है रिवाइवल भी कर रहा है साथ में इस क्राफ्ट को सेव करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो छाबड़ी बिनना जो है वीट स्ट्रॉ से, अब तो ये कहीं खत्म ही हो गया है कि नहीं हम उतना यूज करते हैं, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमने इसके रिवाइवल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। अभी पथवार में मैंने कोई 70 लेडीज़ को रजिस्टर किया है, बहुत मोटिवेट किया उन लोगों को और वो रजिस्टर भी हो गई। उनकी सोसाइटी, जैसे हमारी एक स्कीम है फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम, उस स्कीम के अंडर लेडीज़ को मतलब लाइक जो भी सोसाइटी बनाएगा उसको 1 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो हमने इस क्राफ्ट के ऊपर फोकस किया, हमने जाके वहाँ पे उनका काम देखा और 2-3 सोसाइटीज़ हमने वहाँ पे बनाई और उन लेडीज़ को ये बेनिफिट मिला। और साथ में हम उन लेडीज़ को अब कुछ तो उसमें वो हैं कि ट्रेंड हैं और एडवांस ट्रेनिंग उसमें डिज़ाइनिंग के लिए भी हमने सोचा हुआ है, तो एक और स्कीम के अंडर हमने उन लोगों को एनरोल किया है जो कारखानदार स्कीम है, जिसमें उनको स्टाइफन भी मिलेगा और जो मास्टर ट्रेनर होगा उसको भी 20,000 का ऑनरेरियम मिलेगा और रॉ मटेरियल के लिए ही डिपार्टमेंट उनको प्रोवाइड करेगा। तो हैंडीक्राफ्ट जो है बहुत कोशिश कर रहा है हर तरह का जो क्राफ्ट है हमारा ये सर्वाइव हो जाए। ये इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि मेरा अपना पर्सनली मानना है कि क्राफ्ट और कल्चर जो है किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है। जब तक जैसे आप यहाँ से बाहर जाते हैं, आपने सुना होगा गुजराती खाना, गुजराती डांस, राजस्थानी डांस, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के भी अपने पहनावे हैं, कल्चर हैं, अपना खाना पीना है, तो ये आपके क्राफ्ट के थ्रू और कल्चर के थ्रू आपकी आइडेंटिटी होती है, एक तो ये है और दूसरा ये रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है। वो मैं ऐसे कहूँगी कि इसमें पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर सकते हैं और फीमेल्स खासकर जिनको कि जो होम मेकर भी होती हैं, दिन भर काम करती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं और जो भी उनका फ्री टाइम होता है वो घर पे बैठ के काम कर सकती हैं, तो ये दोनों तरीके से काम कर रहा है हमारा। तो किस तरह की स्कीम्स जो है हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट जो है खासतौर से महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए लेकर आता है और क्या कुछ इंक्लूडेड इसमें? हमारी यहाँ बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम जो भी आर्टिजन है उसको कोई काम आता है उसका जाके हम टेस्ट लेते हैं और उसको अपने डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करते हैं। सबसे पहली स्कीम है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही उसको बेनिफिट मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन का क्या कुछ क्राइटेरिया? रजिस्ट्रेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस मेन क्राइटेरिया यही है कि उस बंदे को क्राफ्ट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी क्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, हम उसका टेस्ट लेते हैं। लाइक अब हम एज का करें तो 18-60 हमने रखा है, क्वालिफिकेशन इज नॉट सो मच रिक्वायर्ड इसमें, ये तरह का है, तो ये एक सिंपल स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। फर्स्ट हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद दूसरा है ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग है उन युवाओं के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट इंटरेस्टेड हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट हैं हमारे यहाँ पे। अभी तो 5 क्राफ्ट 6 क्राफ्ट चल रहे हैं जिसके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके थ्रू हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। क्या क्या क्राफ्ट इंक्लूडेड इसमें है? इसमें फुलकारी है, स्टेपल है, स्टेपल एम्ब्रॉयडरी है, चंबा एम्ब्रॉयडरी है, कैलिगो प्रिंटिंग है, मल्टी क्राफ्ट है, निटिंग, कॉर्सेट जो भी है इस तरह के क्राफ्ट, कारपेट वीविंग है, इस तरह के क्राफ्ट है। और उन युवाओं को 1,000 रुपीज का स्टाइफंड भी दिया जाता है पर मंथ। कई सारे जो युवा है इसमें बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, महिलाओं की बात की जाए वो भी बढ़ चढ़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी हम ये भी इस चीज़ को भी नहीं निकाल सकते कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं, और उसके अलावा किस तरह से रजिस्टर इसमें किया जाए, मतलब कि उनके पास एक स्टेप नहीं रहता है कि आप तक किस तरह से संपर्क कर सके। तो क्या डिपार्टमेंट भी जो वो उनमें टैलेंट है उसको ढूंढने का प्रयास करता है? जी, अब इसमें क्या है कि इसमें एक सबसे पहला जो सोर्स रहता है कि हम अवेयरनेस कैंप लगाएं, और अभी तक हमने मेरे ख्याल से 50 से अबव अवेयरनेस कैंप लगा चुके हैं हर जगह पे। एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लगे थे, एक सेल्फ जो डिपार्टमेंट लगाता है, और दूसरा जन अभियान जो अभी चला था B2V4 के पहले, तो उसमें भी हमने बहुत सारे लोगों को कवर किया, और वहाँ से भी हमें पता चला कि किस किस जगह पे अवेयरनेस की कमी है, तो हमने वो सारा डाटा ले लिया है। तो एक लार्ज अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू ही लोगों को पता चल सकता है। और दूसरा, कुछ ही दिनों में हमारी जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन होने वाली हैं, तो और भी लोगों को पता चल सकता है कि ये सर्विसेज हैं और इस तरह से हमने अप्लाई करना है। जिस तरह से दिन दिन गुजरते जाते हैं, साल गुजरते जाते हैं, तो इसका ग्राफ आपको क्या लगता है कि किस लेवल तक बढ़ा है? मुझे तो लगता है इसका ग्राफ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जब मैंने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था तो कुछ ही लोग थे, और अभी तक 2 सालों में हम 27-28 नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ बना चुके हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि इसमें यंग लोग हैं, कि लाइक 20-21 जो लड़कियाँ हैं वो इसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहती हैं। और स्टेट अवार्ड्स की बात करूँगी तो 10 लोगों को तो पहले महिलाएँ जिनको स्टेट अवार्ड मिल चुका है, वो उनका जो है वो अपने यूनिट्स के थ्रू लोगों को ट्रेन करवाते हैं। तो मुझे लगता है दिन ब दिन तो इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। सोनिका जी, इसमें सीखने के बाद रोजगार के किस तरह से द्वार जो है खुलते हैं, और किस तरह से जो एक इंडिविजुअल है अपना रोजगार कमा सकता है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे मेन फोकस गवर्नमेंट का है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट, और ये एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। जैसे आप कोई क्राफ्ट सीख लेते हैं तो आप उसको एज ए पार्ट टाइम भी ले सकते हैं और फुल टाइम पे भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी जो मैं कह रही हूँ कि युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जो भी युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको कंप्यूटर का नॉलेज, ऑनलाइन जो हो रहा है ट्रेंड, वो सब उनको पता होते हैं। वो अपना वो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको ऑनलाइन सेल भी करते हैं। तो मतलब इसमें बहुत सारे आप देखेंगे हमारे युवा जो हैं वो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो उनका प्रॉफिट हो ही जाता है, और साथ साथ में वो अपनी डिग्री भी करते हैं, अगर मैं पार्ट टाइम की बात करूँगी। और अगर मैं फुल टाइम की बात करती हूँ, तो फुल टाइम में वो लोग एक तो ऑनलाइन सेल करते हैं, उनके अपने यूनिट्स हैं, उनने शोरूम खोले हुए हैं, ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, तो सब पसंद करते हैं इनको, तो उनका सेलिंग वैसे भी अच्छा हो जाता है, उनके बाहर से भी आउट ऑफ इंडिया भी उनके ऑर्डर्स होते हैं, और वो बाकी लोगों को भी ट्रेन करवाते हैं। तो ये जरिए हैं इनके जो है सोर्स ऑफ इनकम के। जी, तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको देख रहे हैं, उन्हें किस तरह से कहना चाहोगे, जो अभी तक अवेयर नहीं है, किसमें किस तरह से क्या कुछ किया जाए, कौन सी वेबसाइट में जाना है, कहाँ पर रजिस्टर कराना है अपना टैलेंट दिखाने के? जी, अभी कुछ दिनों के बाद ये जो सारी सर्विसेज हमारी ऑनलाइन हो जाएंगी, और वो हम ये जो है उसमें सिंगल विंडो सिस्टम है उसमें आप जाके देख सकते हैं, बट अभी ये नहीं है, लेकिन जैसे पोर्टेबल बनाने की कोशिश की जाए। हाँ, जैसे ये ऑनलाइन होगा तो हम इसके रिगार्डिंग भी अवेयरनेस कैंपेन, अभी जैसे हमारे जगह जगह पे कैंप्स लग रहे हैं, और ग्राम सभा जो अभी गवर्नमेंट का आदेश है कि हर मंडे को ग्राम सभा हमने अटेंड करनी है, उसके वहाँ पर भी हम ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और जो भी ये लोग हैं, जिस तरह के भी टैलेंट हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट ऑफिस यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम उनके यूनिट पे जाकर रजिस्टर करेंगे, बस जस्ट आके वो बताएं कि यहाँ पे इतने लोग हैं, उनको ये काम आता है, हम डोर स्टेप डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में महिलाओं के लिए क्या एक मैसेज जो है सभी आप देना चाहेंगे? मैं तो हर अवेयरनेस कैंपेन में यही बोलती हूँ कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, और उनको कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। कोई भी महिला
घर पे बैठे रहना, जो वो काम करते हैं, जब उनको ये जब वो अपना क्लॉक देखें, अगर उसको रिवाइव करेंगे तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमें बहुत स्ट्रेंथ है, हम बहुत स्ट्रांग हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी सब के बीच में ना, जो अपनी फैमिली और घर को देखते देखते महिलाएं अपने बारे में अपने लिए सोचना भूल जाती हैं, तो उनको अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। और उनको ये सोचना चाहिए कि पूरे दिन में जो हम एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, उसमें हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग जो है डेवलप हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पे और हमेशा के लिए विमेन को इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी से अपील करती हूँ, मोस्टली विमेन से अपील करती हूँ कि अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर जनरेट करें, चाहे वो शुरुआत 100 रुपये से क्यों ना हो या फिर 200 रुपये से क्यों ना हो, और वही कन्वर्ट होके 2 लाख 3 लाख में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड आई अपील एवरीवन कि वो अपना टैलेंट ज़रूर आके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के पहले वुमन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ सोनिका परिहार जी जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से इन्फॉर्मेशन दिया कि किस तरह से महिलाएँ जो है आगे बढ़ सकते हैं, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी उन्होंने बताया कि हम महिलाएँ चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन ज़रूरत है अपनी ताकत पहचानने की। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।